चंद्रशेखर आजाद रावण को आज टाइम मैगजीन ने 100 ताकतवर भविष्य के नेताओं में शुमार किया है, लेकिन आजाद को लेकर सोशल मीडिया पर इस तरह की खूब बातें फैलाई गई हैं कि वो एक मुस्लिम है। जी हां दोस्तों, ये 18 जून 2019 की बात है जब एक शख्स ने बकायदा रावण के साथ साथ उनके पिताजी को भी गलत तरीके से पेश किया था। अब आइए आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल 18 जून 2019 को फेसबुक के सिंह नवीन नाम के एक पेज पर एक पोस्ट साझा की गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश में तेजी से लोकप्रिय हो रहे भीम आर्मी चीफ के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद रावण को लेकर दावा किया गया था कि चंद्रशेखर रावण का असली नाम नसमुद्दीन खान है। जी हां दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि एक पोस्ट में तो आजाद के साथ साथ उनके पिता का नाम भी एक यूजर ने महमूद तक रख दिया था। यानी अब समझ सकते हैं कि आजाद की छवि को धूमिल करने का बर्षक प्रयास सोशल मीडिया के जरिए किया, लेकिन इस आजाद की मेहनत और जुनून कहिए कि वो निरंतर इस फर्जी अफवाहों पर ध्यान ना देकर आगे बढ़ते रहे। आज अगर यूपी में आजाद का कद देखे तो वो लगातार मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। खबरें इस तरह की भी है कि आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में वो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करके यूपी चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा किसान आंदोलन का समर्थन करके आजाद ने अपनी पश्चिम यूपी में अपनी सियासी जमीन को मजबूत कर लिया है। फिलहाल देखना होगा कि आने वाले दिनों में रावण उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा चेहरा बनकर उभरते हैं, क्योंकि आजाद के समर्थकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ITP न्यूज रूम की रिपोर्ट।